नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से VS एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट जो है 2023-2023 में भर्ती निकली है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी आपकी फ़ीस लगेगी, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये सबसे पहले न्यूज आर्टिकल देख लीजिए, ICG रिक्वायरमेंट 2023 नेविक DB GD अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 6 फरवरी। यहाँ पर ICG इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2023 नाविक DB होता है डोमेस्टिक ब्रांच और GD होता है जनरल ड्यूटी। तो कुछ पोस्ट DB की हैं, डोमेस्टिक ब्रांच में है, कुछ पोस्ट GD की हैं। 6 फरवरी से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे हैं, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड GD NDB 02-2023 बैच अप्लाई ऑनलाइन फॉर 255 पोस्ट। 255 पोस्ट निकली हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, 20 जनवरी को ये अपडेट आया है। और आगे चलते हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम भर्ती के बारे में जान लेते हैं। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ रिलीज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ नेविक GD जनरल ड्यूटी एंड नेविक DB डोमेस्टिक ब्रांच। ऑल द कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई इन दिस कोस्ट गार्ड CGEPT रिक्वायरमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 6 फरवरी 2023 टू 16 फरवरी 2023। तो 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बात करें हम इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। एप्लीकेशन शुरू हो रही है 6 फरवरी से, लास्ट डेट जो रहेगी 16 फरवरी रहेगी। 16 फरवरी को शाम 5:30 तक आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 300-300 रुपये रहने वाली है, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप अपनी फ़ीस जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे इसमें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 22 ईयर्स होनी चाहिए। एज जो है 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच में, 1 सितंबर 2001 और 31 अगस्त 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी एज जो है 1 सितंबर 2001 से काउंट की जाएगी। अगर आपका इससे पहले का जन्म है, 1 सितंबर 2001 से पहले का अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स जान लेते हैं। पोस्ट नेम है नेविक जनरल ड्यूटी, GD की 225 पोस्ट हैं। इसके लिए आपके पास 10+2 आपने की हो, आपके पास सब्जेक्ट हो फिजिक्स और मैथमेटिक, मैथ और फिजिक्स के साथ आपने 12th पास की है, तो आप नेविक जनरल ड्यूटी GD की 225 जो पोस्ट हम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेविक डोमेस्टिक ब्रांच DB की 30 पोस्ट हैं, इसके लिए आपसे क्लास 10th मांगी गई। अगर आपने क्लास 10th की है तो आप DB जो डोमेस्टिक ब्रांच की 30 पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। नेविक GD की जनरल के लिए 8 पोस्ट हैं, EWS के लिए 22 पोस्ट हैं, OBC के लिए 61 पोस्ट हैं, SC के लिए 32 पोस्ट हैं, ST के लिए 22 हैं और टोटल 225 पोस्ट हैं। नेविक DB की जनरल के लिए 12, EWS के लिए 2, OBC के लिए 10, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और टोटल 30 पोस्ट हैं। दोस्तों ये थी इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल VS एजुकेशनल प्लेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।